नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनुसूचित जनजाति आयोग की बैठक में अत्याचार पर लगाम लगाने की हुई चर्चा, अध्यक्ष ने विभिन्न मामले की ली जानकारी। बीएयू में मोटा अनाज पर कार्यशाला का हुआ आयोजन, कुलपति बोले जैविक खेती पर जोर देने की है आवश्यकता। शराब कारोबारियों के ठिकाने पर पुलिस ने मारा छापा, डीएसपी ने कहा उखाड़ देंगे अपराधियों का अड्डा। एसपी सिंगला एजेंसी द्वारा बनाए गए पुलों पर केंद्र ने बैठा दी है जांच, बीजेपी प्रवक्ता ने दी जानकारी। और एनएचएससी पर धूल उड़ने से राहगीरों की बड़ी परेशानी। और अब समाचार विस्तार से। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन ने भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अनुसूचित जनजाति एवं इससे संबंधित विभागों के सभी पदाधिकारी एवं वरीय कर्मी मौजूद थे। वहीं बिहार सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन ने बताया कि कुछ दिन पहले पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर में एक बहुत ही बड़ी घटना घटित हुई थी। आयोग को जो शिकायत मिली थी उस पर जांच की गई है, साथ ही समाधान के लिए जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा भी कई कांडों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति पर किसी तरह का अत्याचार ना हो। अगर किसी को किसी तरह की परेशानी है तो उसका समाधान आयोग करेगी। आयोग के अध्यक्ष ने कड़े शब्दों में कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति थाने में अगर किसी भी पीड़ित परिवार को पदाधिकारी बिना एफआईआर दर्ज किए वापस भेज देते हैं तो शिकायत मिलने पर उन पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस जिले में कुछ घटनाएं घटी थी जिसका मैं कल जाकर के पीड़ित परिवार से भी मिला। पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर पंचायत में एक बड़ी घटना घटी थी, तो उस सिलसिले में जाकर मैं पीड़ित परिवार से भी मिला और आयोग के स्तर पर जो भी शिकायतें प्राप्त हुआ था उस चीज़ का विजिट भी किया और उसका समाधान के लिए जो है यहाँ के जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को निर्देश भी दिया उस सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। और जो जो मामला हमारे आयोग के संज्ञान में था उन सभी चीज़ों पर बिंदुवार करके चर्चा किया गया और उसका निष्पादन के लिए यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र सबौर में नवनिर्मित स्मार्ट प्रशिक्षण कक्ष का उद्घाटन एवं मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम अंतर्गत मोटे अनाज का महत्व विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर डी आर सिंह के द्वारा की गई। इस अवसर पर प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर आर के सुहाने, कार्य एवं संयंत्र के निदेशक इंजीनियर संजीव कुमार रमन, कुल सचिव डॉक्टर मिजानुल हक समेत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कई अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में कुलपति डॉक्टर दुमनिया राम ने कहा कि आज जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर बल देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही उन्होंने किसानों को प्रेरित करते हुए कहा कि अन्य फसलों के साथ थोड़ा जमीन मोटे अनाज को दें। मोटे अनाज जैसे मडुआ की खेती कम पानी और कम खाद में की जा सकती है, जिससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ आर्थिक लाभ मिलता है। उन्होंने किसानों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में आने वाली समस्याओं से विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से अवगत कराने का अनुरोध किया। इस अवसर पर केंद्र की प्रभारी वैज्ञानिक एवं प्रधान अनीता कुमारी ने आगंतुक अतिथियों एवं किसानों को मोटे अनाज के महत्व पर आयोजित कार्यशाला की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनोहरपुर के शहजादपुर एवं महमदपुर गांव में डीआईजी के आदेश अनुसार बुधवार को सघन छापेमारी की गई, जिसमें मनोहरपुर बगीचा से जुआ खेलने का ताश, चटाई एवं महमदपुर गांव से विदेशी शराब की 8 बोतल बरामद किया गया। साथ ही लगभग 100 लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब जब्त किया गया है। वही इसको लेकर डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि कुछ दिन पहले मनोहरपुर गाँव की महिला ने इस शराब और जुए के बारे में
आवाज उठाई थी, जिसको लेकर पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। वह मनोहरपुर बगीचे में बम फटने से दो बच्चे घायल हुए थे, उसी को लेकर मनोहरपुर के शहजादपुर एवं मेहमदपुर गांव में छापेमारी की गई, जिसमें डॉग स्क्वाड की टीम ने 8 बोतल विदेशी शराब एवं 100 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद किया है। ये सभी क्षेत्र एक जगह ही है और आसपास का जो एडजेसेंट एरियाज है, इसमें लगातार हम लोग एक हफ्ता से अभियान चला रहे हैं। और आज हम लोग बम डिस्पोजल डॉग स्क्वाड, लिकर डॉग स्क्वाड और ट्रैकर डॉग स्क्वाड के साथ इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ हैं, SHO मधुसूदनपुर हैं, ललमटिया के अफसर हैं, नाथनगर के अफसर हैं और हमारा पूरा टीम है, डॉग स्क्वाड का टीम है जो जिला का ही टीम है। उस टीम के सहारे आज हम लोगों ने एक अभियान के तौर पर पूरे एरिया में, मधुसूदनपुर के सारे एरिया, सारे बगीचों में हम लोगों ने छापामारी किया। सर्च अभियान के साथ साथ छापेमारी भी थी, जिसमें कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया गया है और कुछ जुए का सामान सब भी हम लोगों ने बरामद किया है। साथ में हम लोगों ने 8 बोतल रॉयल स्टैग का भी बरामद किया है, 100 लीटर करीबन हम लोगों ने और शराब को भी बरामद करके उसको विनष्ट किया है। साथ ही कई ऐसे हमने जगह चिन्हित किए देखे हैं जहाँ पे कुछ गैलन बरामद हुआ है, कुछ गड्ढे बरामद हुए जहाँ पे शराब बनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे टीम के तौर पे अभियान के माध्यम से, ये छापेमारी और सर्च अभियान के माध्यम से हम लोगों ने चीज़ों को बरामद भी किया है। और ये अभियान जो है वो जितने भी चिन्हित थाना क्षेत्र है या जितने भी एरियाज है जहाँ से सूचना प्राप्त होती है, उन सभी स्थानों पे हम लोग लगातार छापेमारी जारी करेंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज जगवानी पुल हादसे के बाद भारत सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाए जा रहे 6 पुलों पर जांच बैठाने का आदेश जारी हो गया है। बिहार में 2 समेत देश के कई राज्यों में बन रहे 6 पुलों पर अब जांच की जाएगी। वही बिहार में JP सेतु एवं विक्रमशिला सेतु के समानांतर सेतु पर भी जांच बैठाई जा रही है। मामले को लेकर भागलपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि SP सिंगला कंपनी के जितने भी काम हैं उनको रिजाइन किया जाए और इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, साथ ही दूसरे कंपनी को काम दिया जाए। उन्होंने बताया कि वे नितिन गडकरी से मिलकर इस मामले पर बातचीत करेंगे। तो अभी भारत सरकार ने SP सिंगला कंपनी की जितने पुल बन रहे हैं सब पर जांच बैठा दी है। अब आप लोग को ये खबर नहीं मिली होगी, लेकिन वो जांच की खबर जो है मेरे पास है। नाथनगर के दोगच्छी से अकबर नगर तक हो रहे NH-80 के चौड़ीकरण में सड़क निर्माण कार्य में उड़ रहे धूल से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 10 दिन बाद श्रावणी मेला की भी शुरुआत होगी। इस सड़क से होकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज गंगा घाट पहुँचते हैं। वही स्थानीय लोगों के साथ साथ राहगीरों को इस सड़क से आवाजाही करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस पर न ही संबंधित एजेंसी ध्यान दे रही है और न ही जिला प्रशासन। उड़ रही धूल से कई तरह की बीमारियां भी हो रही है। स्थानीय सितेश कुमार, गौतम कुमार एवं गोलू यादव ने बताया कि एजेंसी के द्वारा सड़क निर्माण कार्य में पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दुकानदारों को भी इससे काफी परेशानी हो रही है। आए दिन इस सड़क में जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इतना गर्दा उड़ता है, एक बार भी पानी कंपनी वाला नहीं छिटता है। और पिछड़ा गांव है, इतना परेशान होता है, बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस पर कोई प्रशासन ध्यान नहीं दिया जाता है और कंपनी वाला भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में अनुदान की राशि के भुगतान को लेकर 14वें दिन बुधवार को भी संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने धरना दिया। कॉलेज कर्मियों ने कहा कि 25 जून तक भुगतान नहीं किए जाने पर वे लोग 26 जून से विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे। मालूम हो कि स्नातक सत्र 2013-16 के तहत संबद्ध कॉलेजों को अनुदान की राशि का भुगतान किया जाना है। संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक एवं कर्मचारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह
की अध्यक्षता में धरने पर बैठे हैं। शिक्षकों ने कहा कि 20 जून को डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह एवं डॉक्टर आनंद कुमार मिश्रा ने कहा कि राजभवन को पूरे मामले से अवगत कराया गया है। इस बीच MLC विजय कुमार सिंह ने VC से वार्ता भी की थी, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। बुधवार को अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष शंभु कुमार सुमन ने बाखरपुर पीड़ित के घर पहुंचकर पीड़ित युवती एवं उनके परिवार से मिलकर दिलासा दिया। उन्होंने ऐसे कुकर्म करने वाले युवकों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। साथ ही कहा कि ये घटना आत्मा को झकझोर देने वाली है। वही पीरपैंती विधायक इंजीनियर ललन कुमार ने भी पीड़ित परिवार से मिलकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया। जबकि DSP शिवानंद सिंह ने बताया कि फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मौके पर अनुसूचित जनजाति के प्रदेश मंत्री पिंटू मंडल, जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार, मुखिया अंबिका मंडल, मिथिलेश कुमार, रामानंद मंडल, संतोष मंडल सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस घटना का जानकारी मिला, मैं पटना में था, जैसे ही मुझे इस घटना के बारे में जानकारी मिला मैंने पदाधिकारी लोगों को अवगत कराया। चूँकि घटना को अंजाम देना और घटना का वीडियो बना करके सार्वजनिक रूप से किसी के प्रतिष्ठा को बाजार में समाज में नीलाम कर देना, ये उससे भी बड़ा अपराध है। तो इस प्रकार का घटना मुझे रेयर केस में ही जानने सुनने को मिलता है, तो ये सोच से परे है ये घटना। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है, काफ़ी दुख होता है इस प्रकार का घटना को जानने और सुनने के बाद। तो जो भी लोग इसमें दोषी हैं, जो भी इस प्रकार का दरिंदगी किया है, तो वो बचेंगे नहीं। नाथनगर के बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर से लेकर नाथनगर रेलवे स्टेशन, सुखराज राय हाई स्कूल एवं SS+2 बालिका उच्च विद्यालय जाने वाली सड़क की हालत काफी बदतर हो चुकी है। आपको बता दें कि यह सड़क भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 4 में आती है। इस सड़क पर नाले का गंदा पानी जमा रहता है। लोग बताते हैं कि इस सड़क की स्थिति कभी भी सही नहीं हुई। कई वर्षों से वे लोग ऐसी स्थिति में जीने को मजबूर है। सड़क में बने गड्ढे में टोटो और बाइक फंस जाता है, जबकि स्टेशन जाने वाले यात्रियों की गाड़ियां भी सड़क पर जल जमाव से गड्ढे में पलट जाती है। बताया गया कि पाइपलाइन का काम कर रही एजेंसी गड्ढा का काम कर लेती है, लेकिन जैसे तैसे मिट्टी भराई कर निकल जाती है। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा कादा है यहाँ, वहाँ रास्ता मारे में बच्चा सब गिरी पड़े पड़े में। यहाँ से दिक्कत है बहुत दिन से, सब दिन तो रोड ही खराब रही है, कभी वो सही नहीं हुआ पा रही रोड की। अब कोई ध्यान नहीं दे, कोई ध्यान नहीं दे से तो सब आवे जाए जाते, कोई ध्यान नहीं रखा, कोई मालिक नहीं छे। भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंग्लिश गांव के रहने वाले शंकर यादव के घर पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 28 बोतल विदेशी शराब बरामद किया। साथ ही शंकर यादव के पुत्र गुड्डू को गिरफ्तार किया है। दरअसल मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि गुड्डू यादव के द्वारा शराब की खरीद फरोख्त की जाती है, जिसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सबौर थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल के द्वारा इंग्लिश गांव के रहने वाले शंकर यादव के घर पर छापेमारी की गई, जहां से शराब बरामदगी के साथ शराब के धंधे में लिप्त गुड्डू यादव को गिरफ्तार किया गया है। वही गिरफ्तार आरोपी से उसके अन्य सहयोगियों के बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। बुधवार को जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला गंगा संरक्षण समिति के संयुक्त तत्वाधान में नगर निगम भागलपुर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन बरारी स्थित सीढ़ी घाट पर किया गया, जिसमें लगभग 200 से अधिक महिला एवं पुरुषों ने भाग लिया। योग गुरु अनीता के द्वारा बताया गया कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन में स्थिरता मिलती है, योग करने से लोग निरोग रहते हैं। वही योग गुरु ने विभिन्न योगासन के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर भागलपुर नगर निगम के नगर प्रबंधक अमरेंद्र कुमार, नमामि गंगे प्रभारी पंकज भट्टाचार्य, जयप्रकाश यादव एवं निगम के कई कर्मी मौजूद थे। योग्य समाप्ति के बाद गंगा महाआरती का भी आयोजन किया गया। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनुसूचित जनजाति आयोग की बैठक में अत्याचार पर लगाम लगाने की हुई चर्चा, अध्यक्ष ने विभिन्न मामले की ली जानकारी। BAU में मोटा अनाज पर कार्यशाला का हुआ आयोजन, कुलपति बोले जैविक खेती पर जोर देने की है आवश्यकता।
शराब कारोबारियों के ठिकाने पर पुलिस ने मारा छापा। डीएसपी ने कहा उखाड़ देंगे अपराधियों का अड्डा। एसपी सिंगला एजेंसी द्वारा बनाए गए पुलों पर केंद्र ने बैठा दी है जांच। बीजेपी प्रवक्ता ने दी जानकारी। और एनएचएससी पर धूल उड़ने से राहगीरों की बड़ी परेशानी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।